दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनंत रोचक तथ्यों और गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। हम इंसान जितना ही इसके बारे में जानने की चेष्टा करते हैं, यह हर बार हमें उतना ही ज्यादा चौंकाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अंतरिक्ष के ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों और रहस्यों के बारे में जो कि आपको जरूर रोमांचित करेंगे। लिक्विड वाटर हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इस पे हमारी जिंदगी आधारित होती है। हमारी पृथ्वी ही वह ग्रह है जहाँ पर अन्य सौरमंडल के ग्रहों से कहीं ज्यादा या फिर सबसे ज्यादा पानी है। यह पानी पृथ्वी पर किस स्रोत से आया यह अभी तक क्लियर नहीं है, पर हमारे सौरमंडल में ही जुपिटर के एक मून यूरोपा पर पृथ्वी से भी दोगुना ज्यादा पानी मौजूद है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। भले ही यह उपग्रह हमारे चांद से भी छोटा है, पर यहाँ पर पानी बहुत ही ज्यादा घनत्व में ऊपर से आइस के मोटे लेयर के फॉर्म में टिकी हुई है, जिसके अंदर जीवन का भी होना हर प्रकार से संभव हो सकता है। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी भी पौराणिक देवता पर आधारित नहीं है। इसके नाम का अर्थ लगभग हर भाषा में ही मिट्टी ही है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर ही एक और पृथ्वी मौजूद है, हालांकि यह कोई ग्रह नहीं है। यह यूएस के एक स्टेट टेक्सास में स्थित एक सिटी है जिसका नाम अर्थ है, जहाँ की आबादी लगभग 1000 के ही आसपास है। शुरुआत में जगह का नाम फेयरलॉन था, पर जब वहाँ के लोगों ने इसी नाम के आसपास और भी सिटीज देखे तो उन्होंने इसका नाम बदलकर अर्थ रख दिया। युवा स्कूटी अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा है। ये तारा सूरज से भी 1700 गुना ज्यादा बड़ा है, और अगर इसे हमारे सौरमंडल के बीच में रखा जाए तो यह तारा हमारे जुपिटर तक की जगह को आराम से घेर लेगा। पर स्पेस में पाई गई सबसे बड़ी और भारी चीज हरकुलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल है। यह एक जाइगेंटिक फिलामेंट है, यानी कि इसकी संरचना में बहुत बड़े गैलेक्सीज के ग्रुप आते हैं जो कि ग्रेविटी के चलते एक साथ असेंबल्ड होते हैं। इस चीज की खोज नवंबर 2013 में की गई थी। यह स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बड़ा है कि साइंटिस्ट अभी भी इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे। दरअसल यह चीज लगभग 10 बिलियन साल पुरानी है और हमारी यूनिवर्स को बस 13.7 बिलियन साल ही हुए हैं, यानी कि इसे तैयार होने को बस 3.7 बिलियन साल ही लगे। साइंटिस्ट का कहना है कि यदि हमारे सौरमंडल जैसे छोटे संरचना को ही बनने में 4.6 बिलियन साल से भी ज्यादा समय लग जाता है, तो इतनी विशाल संरचना बस 3.7 बिलियन साल में कैसे तैयार हो सकती है। आप अभी जो चित्र स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह चित्र एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खींची गई सबसे बड़ी तस्वीर है। इसका रेजोल्यूशन 69536x22230 पिक्सल्स है, यानी इसमें 1.5 बिलियन पिक्सल्स है। यह फोटो लगभग 4.3 जीबी का स्पेस कवर करती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 1 ट्रिलियन तारे स्पेस में ऐसे लगते हैं जैसे कि हीरे और मोतियों का महासागर हो। न्यूट्रॉन स्टार्स इतने ज्यादा घने होते हैं कि उनके एक चम्मच भर का ही मटेरियल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ टन से भी ज्यादा भारी होता है। सीरीज अब तक का पाया गया सबसे छोटा ड्वार्फ प्लेनेट है, जिसे 1801 में खोजा गया था। यह ड्वार्फ प्लेनेट हमारे सौरमंडल में मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच से सूर्य का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी से लगभग 655 लाइट ईयर दूर एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन में हेलिक्स नेब्यूला है, जिसे 1824 में खोजा गया था। ये नेब्यूला बिल्कुल इंसानी आंख की तरह दिखता है, और इसे अपने प्राकृतिक आकार के नाते आई ऑफ द गॉड भी कहते हैं। हमारे सूरज के बीचों बीच यानी कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अगर इतना तापमान अभी हमारी धरती का हो जाए तो यह धरती पे मौजूद सारा जीवन पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम जानते हैं कि अपोलो 11 ही वह पहला ऐतिहासिक मिशन था जिसके दौरान इंसान ने चांद पर कदम रखा था। इस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बस एल्ड्रिन ने चंद्रमा की यात्रा की, पर इनमें से किसी भी अंतरिक्ष यात्री का जीवन बीमा कवर नहीं था, इस आशंका के बावजूद कि वे अपने मिशन से जिंदा लौटेंगे या नहीं। लेकिन फिर तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनके परिवार को धनराशि प्राप्त हो। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने तस्वीरों पर सिग्नेचर किए जिससे उनके परिवार वाले उनकी मृत्यु की स्थिति में उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी स्पेसक्राफ्ट स्पेस के लिए रवाना होते हैं तो उनके पीछे से ढेर सारा धुआं निकलता है। असलियत में ये चीज धुआं नहीं है, दरअसल इसमें से अधिकतर पानी और बहुत थोड़ा ही धुआं होता है। ये पानी स्पेस प्लेटफॉर्म के एक पूल में स्टोर होता है जिसके भाप की मदद से रॉकेट की तेज आवाज यानी शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि टेक ऑफ के समय प्रोड्यूस होते हैं। अगर इन शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब ना किया जाए तो इनसे निकलने वाली एनर्जी से वहाँ का बेस यानी प्लेटफॉर्म बाउंस कर सकता है,
और तो और ये शॉक वेव्स स्पेसक्राफ्ट को भी पूरी तरीके से हिला कर रख सकती है। 2013 में एक कंपनी मार्सोन ने दुनिया के सामने 2023 तक मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लोगों को ले जा रहे और वहां पर हमेशा के लिए रहने का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उसके बाद वे हर साल 4-4 और नए लोगों को स्पेस में भेजेंगे जो कि वहां पर हमेशा के लिए बसते जाएंगे। 2013 में ही 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने इस मिशन के लिए अप्लाई किया जो कि पृथ्वी को छोड़कर वहां पर हमेशा के लिए रहेंगे। ये लोग वहां की हर छोटी बड़ी घटना को कैमरे में कैद करेंगे जिसको पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने घरों में टीवी पर आराम से देख सकेंगे। अभी कुछ साल पहले ही इस कंपनी के दिवालिया होने की खबर सामने आई थी, पर मंगल ग्रह पर जाने वाले प्रतिभागियों ने और खुद इस कंपनी ने अब तक आस नहीं छोड़ी है। सीक 2 हमारे ब्रह्मांड में अब तक का पाया गया सबसे छोटी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा है, जिसमें लगभग 1,000 तारे ही हैं। पर यह गैलेक्सी लगभग 12 बिलियन सालों से भी ज्यादा पुरानी है, यानी कि यहाँ के तारे ब्रह्मांड के निर्माण के पहले और सबसे पुराने तारे हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुए अभी तक कुल 13.7 बिलियन साल ही हुए हैं। हम सभी नासा के ऐतिहासिक मिशन अपोलो 11 के बारे में तो जानते ही हैं, जिसके चलते मानव सभ्यता ने पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था। इसके अलावा अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17 को भी सफल बनाया गया था, जिसके बाद इस प्रोग्राम के आने वाले मिशंस को कैंसिल कर दिया गया था और फिर दोबारा कभी चांद पर कोई मिशन नहीं हुआ। नासा के दोबारा चांद पर कोई मिशन ना करने के पीछे आपको हजारों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिल जाएंगी, पर नासा की ये वास्तव में योजना नहीं थी, बल्कि नासा ने तो बहुत पहले से ही अपोलो 18, 19 और 20 की योजनाएं बना ली थी। अपोलो 17 के बाद नासा की योजना चांद पर 6 लोगों के साथ 180 दिनों तक कॉलोनाइज करके रहने की थी, पर जो असल कारण इस प्रोग्राम के कैंसिल होने का था वो था पैसा। जी हाँ दोस्तों, असल में ये योजनाएं उनके बजट से कहीं ज्यादा बाहर जा रही थी, जिसके कारण उन्हें उनके आगे आने वाले मिशंस को कैंसिल करना पड़ा था। हमारे ब्रह्मांड का 84.5% हिस्सा डार्क मैटर का बना हो सकता है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें इसके अस्तित्व और व्यवहार के अलावा इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। अभी आप जिस चित्र को स्क्रीन पर देख रहे हैं वह मंगल ग्रह से आगे की ली गई इकलौती तस्वीर है। यह तस्वीर सैटर्न यानी शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की 2005 में ली गई थी। टाइटन बहुत ही दिलचस्प उपग्रह है। यहाँ हमारी पृथ्वी की तरह झील और नदियाँ हैं, पर हमारी पृथ्वी की नदियों से अलग यहाँ की नदियाँ लिक्विड एथेन, मीथेन और प्रोपेन से भरी हुई हैं। वहाँ का औसतन तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण वहाँ पर हमारा प्रोब बस 90 सेकंड तक ही टिक पाया, जिसके जरिए हमें उससे यही एकमात्र फोटो प्राप्त हो सकी। हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का उपग्रह हमारा चांद है, पर यह नजदीकी भी इतनी दूर है कि हम अपनी पृथ्वी से चांद के बीच अपने सौरमंडल के सारे ग्रहों को आराम से रख सकते हैं। अंतरिक्ष में इंसानों के अलावा अब तक कई जानवरों को भी ले जाया गया है। आपने लाइका के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि 1957 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता था, जिसकी अंतरिक्ष के ऑर्बिट में ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। पर सबसे पहले जो जानवर अंतरिक्ष में भेजा गया था वे थी फ्रूट फ्लाइज यानी फलों पर बैठने वाली मक्खियाँ, जिन्हें 1947 में भेजा गया था, 1949 में पहला बंदर और 1950 में पहला चूहा भेजा गया था। 1960 के दौरान अंतरिक्ष में और भी जानवर भेजे गए थे, जैसे कि खरगोश, कछुआ, बिल्ली, मेंढक, गोल्डफिश और कई प्रकार के कीड़े इत्यादि। 2008 में कॉकरोचेस को भी स्पेस में भेजा गया था, जिसका स्पेस में रहने के बाद यह परिणाम निकला कि वे अपने पृथ्वी वाले साथी कॉकरोचेस से कई गुना ज्यादा तेज और ताकतवर हो गए थे। एलियंस हमारी जिज्ञासा का केंद्र रहते आ रहे हैं। हम सभी पृथ्वी के बाहर कोई आधुनिक सभ्यता के होने की कल्पना करते हैं। कई सिद्धांतों के हिसाब से बाहरी जिंदगी के पूरे आसार दिखाई देते हैं, पर इसी बीच रेयर अर्थ हाइपोथेसिस आ जाता है, जिसके हिसाब से हमारी पृथ्वी पर वर्तमान जीवन कई सदियों के जियोलॉजिकल और एस्ट्रोफिजिकल इवेंट्स का नतीजा है, और ये सारी घटनाएं किसी इत्तेफाक से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती। शायद ही ब्रह्मांड का कोई ग्रह इतना किस्मत वाला हो जिसके साथ हूबहू ऐसे ही इत्तेफाक हुए हो, जो कि हमारी तरह मानव सभ्यता को पनपा पाया हो। और रेयर अर्थ हाइपोथेसिस यही बताता है कि अगर इस हूबहू इत्तेफाक के मौके कम निकले तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम बिल्कुल अकेले ही हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दो काम करो, पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।